इस सेशन में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और उसी के साथ हम देखेंगे एक्सपर्ट सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता क्या है। कंप्यूटर के सोए की बुद्धिमत्ता शून्य होती है, उसमें कृत्रिम बुद्धि डाली जाती है। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तब उसे सिर्फ गणितीय गणनों के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर की तकनीक में सुधार होते गए हैं वैसे वैसे उसमें बहुत से कार्य करने के लिए सक्षम बनाया गया। जब कंप्यूटर को डेवलप किया गया था तो मेनली उसका रीजन होता था कैलकुलेशन, और आज भी वो लॉजिकल कैलकुलेशंस पर ही काम करता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक्स बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे वह हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। यह कह सकते हैं कि अब एक इंसान उस पर निर्भर होना शुरू हो चुका है और कई हद तक निर्भर हो भी चुका है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो खुद से कभी कोई डिसीजंस नहीं ले पाता है, ना वो किसी बारे में सोच पाता है। लेकिन इंसान द्वारा एक ऐसा इंटेलिजेंस बनाया गया, एक ऐसी बुद्धि बनाई गई जो सिस्टम के अंदर डाली गई है, जिसके आधार पर वह इस सक्षम हो चुका है कि वह डिसीजन ले सकता है, कोई भी निर्णय ले सकता है अवसर आने पर। लेकिन एक बात, इसको मनुष्य ने बनाया है, दैट्स वाई ये आर्टिफिशियल मैन मेड, प्राकृतिक इसकी कोई भी बुद्धि नहीं। दैट्स वाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। और यही एक कारण है कि इतना विकसित होने के बावजूद भी ये मनुष्य का स्थान शायद ही ले पाए। हम आगे इसको लेके बात करेंगे। वर्तमान में कंप्यूटर का प्रयोग ना सिर्फ गणितीय गणना के लिए होता है, अपितु कंप्यूटर द्वारा बहुत से अन्य काम जैसे मशीन को नियंत्रित करना, उपग्रहों को नियंत्रित करना इत्यादि कामों के लिए भी किया जाता है। जैसे जैसे कंप्यूटर तकनीक में सुधार होते गया है वैसे वैसे उसके कार्य क्षमता, उसकी मेमोरी, उसकी कार्य करने की गति इत्यादि में भी सुधार हो गए हैं। लेकिन फिर भी उसे मानव समान सोचने एवं सीखने की क्षमता प्राप्त नहीं। वैज्ञानिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस प्रकार क्षमता विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी जो रिसेंटली हम लोग हैं वो फोर्थ जनरेशन, अब फिफ्थ जनरेशन में टोटली फोकस है एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, यानी कि वह मनुष्य की एब्सेंस में, गैर हाजिरी में या मौजूदा स्थिति जब मनुष्य के दिमाग की नहीं होगी तो वह कहीं हद तक मनुष्य जैसे निर्णय लेने के लिए योग्य बन जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में। एक्सपर्ट सिस्टम एक समझने वाली चीज है। यह कृत्रिम बुद्धि अनुसंधान में सबसे प्रथम और अधिक प्रयोग होने वाली एप्लीकेशन है। कृत्रिम बुद्धि विज्ञान कंप्यूटर मानव के समान सोचने एवं निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। हमें किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए या किसी समस्या के समाधान के लिए उस क्षेत्र के तय की गई आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई मकान बनाना है तब सिविल इंजीनियर की आवश्यकता होती है, या किसी बीमारी में डॉक्टर की आवश्यकता होती है, या बैलेंस शीट बनाने में चार्टेड अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञ अपने क्षेत्र में तज्ञ होते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए या समस्या को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया है। एक्सपर्ट का मतलब होता है एक जानकार। हर एक फील्ड का एक एक्सपर्टाइज पर्सन होता है, हर एक क्षेत्र का एक ज्ञानी होता है। यदि आप हेल्थ संबंधित बात करें तो डॉक्टर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंधित बात करें तो सिविल इंजीनियर है, अकाउंटेंसी की बात करें तो वहां पर एक अकाउंटेंट है। तो ये अपने अपने फील्ड के मास्टर्स। लेकिन यह कह सकते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो घर नहीं बना सकता, और एक सिविल इंजीनियर किसी का इलाज नहीं कर सकता,
और एक अकाउंटेंट ना घर बना सकता है ना इलाज कर सकता है, तो ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्टाइज है। अब यहां तय किया गया है एक सिंगल प्लेटफॉर्म को जो कि है कंप्यूटर, उसको इस योग्य बनाया जा रहा है ताकि वह समस्त फील्ड के लिए अलग अलग क्षेत्र के लिए एक ही जानकार व्यक्ति हो और वो सभी को उस तरह की एडवाइस दे जैसे कि ये लगे कि ये एक ही या उसी क्षेत्र के लिए बना हुआ है। ज्यादा दूर हम नहीं जाते, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड में एक फीचर होता है स्पेल एंड ग्रामर, जिसका काम रहता है कंटिन्यू मॉनिटराइज करते रहना टेक्स्ट को कि यूजर क्या टाइप कर रहा है। यदि हम टाइपिंग में कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं तो वह रेड कलर की अंडरलाइन से इंडिकेट करता है, जो यह दर्शाता है कि यह स्पेलिंग गलत है। अब हम उस पर राइट क्लिक करते हैं रेड अंडरलाइन पे, तो हमें कुछ सजेशंस मिलते हैं और हो सकता है कि उसके सजेशन सही हो, वो हो सकता है उसके सजेशन गलत हो, लेकिन हमने जो टाइप करा है वो सही है। इसको मैं एक्सप्लेन करूं। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो हमें सजेशन देता है, यानी वो एक एक्सपर्ट है ग्रामर का। अगर हम ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो वो ग्रीन कलर की अंडरलाइन देता है, कोई अंडरलाइन नहीं मतलब सब कुछ सही है। तो वो हमें सलाह देता है कि आप जो टाइप कर रहे हैं वो गलत है, आप इनको इन इन नामों से सुधार सकते हैं। अब नो डाउट उसके जो सजेशंस है वो ऑलमोस्ट सही होते हैं, मैं पूरे नहीं कहूंगा ऑलमोस्ट कहूंगा, लेकिन अगर आप किसी का नाम टाइप करें तो शायद उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है लेकिन स्पेलिंग उसकी सही है। तो आप क्या करते हैं, उसमें एक फीचर होता है ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी बोलते हैं वह आपसे सीखने भी लग जाएगा कि अच्छा इस तरह का भी कोई वर्ड होता है, वो आपसे सीख चुका है। फिर भविष्य में जब कभी भी उसी दिन अगले दिन महीना साल कभी भी आप वो वर्ड दोबारा टाइप करेंगे तो वह फिर उस पर कभी आपत्ति नहीं जताएगा। तो यह देखने वाली बात यह है कि यह एक ऐसी बुद्धि है जो मनुष्य से ही सीखती है और मनुष्य के हित के लिए ही काम करती है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए एक समस्या को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया है। एक्सपर्ट सिस्टम ये विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ या सलाहकार की तरह कार्य करते हैं तथा उस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं। इन सॉफ्टवेयर में सामान्य प्रोग्राम पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता। एक्सपर्ट सिस्टम और नॉलेज बेस्ड सिस्टम ज्ञान पर आधारित प्रणाली भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के फायदे क्या हैं। एक मनुष्य को जब इसको अपनी जीवन शैली में अपनाता है तो उसे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। मनुष्य को निर्णय लेने में मदद करने या निर्देशित करने में सहायक। कभी हम असमंजस की स्थिति में उलझ जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वहां पर आपको सजेशन मिल सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स परचेस करने जा रहे हैं तो वहां पर टॉप 10 शेयर्स की लिस्ट हमें दिखाई दी जाती है कि पिछले 3 सालों के मुताबिक कौन से शेयर्स ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, तो यहां पर हमें देख सकते हैं, हमें सलाह मिल सकती है घर बैठे। समस्या को परखना निदान करना। मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में हो जाने वाली भूल का सुधार भी ये करता है। इनपुट का विवेचन करना, वही बात। परिणामों की भविष्यवाणी करना, यानी अगर आप यहां पर कुछ इनपुट देते हैं तो यहां पर कई बार हमें कॉशंस एरर्स मिलते हैं कि यदि आप ऐसा करना जा रहे हैं तो भविष्य में आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्या आप अभी भी सहमत हैं इस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह के भविष्यवाणी भी हमसे वो करता है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि भविष्यवाणी बताएगा। एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह भी जो प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि यहां पर एक कुंडली सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, कहां रहते हैं, आपका बर्थ टाइम क्या है, वो सारी डिटेल डालेंगे तो वो आपको भविष्य में कुछ होने वाली गतिविधियों के बारे में पहले से ही सूचना दे सकता है।
मौसम का हाल भी इसी के अंदर आता है कि आने वाले 7 दिनों में मौसम का क्या हो सकता है, क्या हाल हो सकता है, इसको लेके थोड़ा बहुत आपको आगाह ये कई हद तक कर देता है। निष्कर्ष और न्योचित सिद्ध करना, किसी समस्या के लिए वैकल्पिक सुझावों को देना, जैसे कि स्पेल एंड ग्रामर इसका एक एग्जांपल है। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में कि क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के साथ काम करते हुए। एक्सपर्ट सिस्टम के साथ कॉमन सेंस मुख्य मुद्दा है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें कि कभी एग्जाम फॉर्म हमें फिल करना होता है तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कि फलाना तारीख तक आपको इतने बजे तक ऑनलाइन फॉर्म के लिंक एक्टिवेट रहेंगे, जैसे ही एक तारीख आ जाए और समय निकल जाए लिंक ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए। अच्छी बात, समय पर काम करना बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, लेकिन 100 में से 1 बार ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अपना फॉर्म किसी कारणवश नहीं भर पाया, उस वो बहुत बुरी परिस्थिति में हो, ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ होना भी चाहिए, तो कई बार वो दिक्कत जेन्युइन भी हो सकती है। जैसे हम देखकर कई बार नीति नियमों के विरुद्ध जाकर उस काम को करते हैं, तो इस तरह के भावात्मक डिसीजन एक्सपर्ट सिस्टम नहीं ले सकता। ये एक लकीर, एक बिंदु पर काम करता है, ये होना है तब होना है, तो जब वो समय आएगा तब वो होकर ही रहेगा। वे कभी कभी कुछ गलत निर्णय भी ले सकता है क्योंकि उन्हें नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता है, जैसा कि उन्होंने प्रोग्राम किया गया था। वह पूरी तरह से नए तरह की समस्या का समाधान नहीं दे सकते, इस तरह की चीजें वास्तव में प्रोग्राम करना कठिन है। रियल वर्ल्ड में हम किसी को कंसिडर कर देते हैं, किसी को क्षमा कर देते हैं किसी बात या कारण के आधार पर, जिसे हम मनुष्य भाव के नाम से जानते हैं। तो ये शायद एक्सपर्ट सिस्टम को सिखा पाना मुश्किल है, असंभव कहना तो शायद गलत होगा, उसकी विकसित होने की गति को देखकर शायद ऐसा हो जाए, पर अभी तो नहीं। सेकेंड पॉइंट है, मानव विशेषज्ञों की स्थिति के बारे में जानकारी होती है। इसका मतलब है कि वह कैसे महसूस करता है, वह स्थिति में कैसे प्रभावी है, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम को किसी भी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, वह सामना करते हैं। यानी कि ह्यूमन के अंदर एक नेचर होता है कंसिडर करने का, जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस करा उसी के आसपास ये पॉइंट भी जा रहा है कि परिस्थितियों के हिसाब से काम नहीं करता, यह महसूस नहीं करता किसी चीज को, ये एक ट्रू और फॉल्स के बेस पर ही काम करता है, लॉजिकल्स पर ही ये काम करता है। एक्सपर्ट सिस्टम आमतौर पर एक विशिष्ट डोमेन के लिए विकसित की जाती है, जबकि एक मानव विशेषज्ञ को एक से अधिक तरीकों या एक से अधिक क्षेत्रों में विशेष किया जाता है, इसलिए इस एक्सपर्ट सिस्टम की बड़ी खामी के रूप में भी माना जाता है। एक एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर बनाई गई एप्लीकेशन एक ही तरह का काम करेगी, हालांकि कंप्यूटर एक है लेकिन एप्लीकेशन अलग अलग है, लेकिन वह एप्लीकेशन तो एक ही काम करेगी ना, लेकिन एक मनुष्य एक समय में एक से अधिक गतिविधियों को संभाल सकता है। लास्ट हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर एक्सपर्ट सिस्टम पाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स में यह इस्तेमाल होता है, लोन एनालिसिस, यह आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताएगा, यदि आप कोई ईएमआई स्किप कर जाते हैं तो क्रेडिट स्कोर की गणना करके बताएगा कि आपका मार्केट में क्रेडिट स्कोर क्या है, क्या आपकी रेपुटेशन है, आपने अगर प्रीमियम समय पे नहीं भरी है तो इसका क्रेडिट स्कोर कितना गिरा है, आपको भविष्य में और लोन मिलने की संभावना है या नहीं है, तो ये सारा एनालिसमेंट एक क्लिक पे आपको करके बता दिया जाएगा। वायरस डिटेक्शन, बहुत पुराना एंटीवायरस आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो वो फाइलों में परख करता है कि कौन सी फाइल सही है और कौन सी करप्टेड है। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, यदि हम कोई शेड्यूल प्लान करते हैं, एक टाइम टेबल भी बनाते हैं टाइम टेबल सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वह हमें फ्री स्लॉट्स ऑटोमेटिकली निकाल के दे देता है। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग नॉलेज पब्लिशिंग, यानी कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए,
गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बैंक में आपको डिपॉजिट रखना चाहिए, या शेयर्स आपको परचेज करने चाहिए, या आपको SIPs करनी चाहिए। इन सारी चीजों को लेके मार्केट की स्ट्रेटेजी जानकर ये डिसीजंस आपको देता है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग यानी कि कौन सा स्टॉक काफी ज्यादा ग्रोथ पे है, किसकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी है मार्केट में, किसको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। तो इस तरह के ये सजेशंस जो एक व्यक्ति से हमको मिलते हैं, लेकिन व्यक्ति का एक समय होता है, आप वर्किंग आवर में उससे बात कर सकते हैं, आधी रात में उठा के आप उससे सलाह नहीं ले सकते कि मुझे कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा मार्केट स्टॉक में कौन सा अच्छा चल रहा है, कहने का मतलब है। तो आप उसे आधी रात में जगा के नहीं पूछ सकते, जगह भी दिया तो शायद वो आपको संतोषजनक जवाब ना दे, लेकिन कंप्यूटर है ये 24/7 एक ही तरह काम करता है, जैसा दिन में वैसा शाम, वैसा सुबह वैसा रात, कोई फर्क नहीं किया जा सकता। तो इस सेशन में हम लोगों ने बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में और एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में।